Good morning students. As you know, in last class we have discussed about difference in business profession and employment. एक टेबल के थ्रू हमने डिफरेंस पढ़ा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे लाइक रिस्क, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. सो उन पॉइंट्स के बेसिस पर हमने डिस्कस कर लिया था कि इनमें क्या डिफरेंस है. नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक विच नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. बिजनेस एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. देखो इसे थोड़ा सा अगर हम चलें चार्ट के ऊपर, तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन नीड से. ह्यूमन नीड को हमने कैटेगरी में दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. कि ह्यूमन नीड्स का सेटिस्फैक्शन दो एक्टिविटीज से होता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. देन इकोनॉमिक को हमने फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन चल रहा है. तो बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स. कि जहां हमारे गुड्स को, रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे तो हम कहेंगे इंडस्ट्री. एंड कॉमर्स मीन्स कि प्रोड्यूस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो सारी एक्टिविटीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ठीक है, वेयर हाउसिंग, तो ये सब होंगे हमारे कॉमर्स का पार्ट. इज इट क्लियर? सो अभी तक अगर हमने 10th तक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्री को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शियरी. थर्ड इज कौन सा हमारी? टर्जरी सेक्टर. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री? की हमने अभी तक वैसे तो 10th तक पढ़ा हुआ है प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में, बट फिर भी अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स दिस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. की नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है जो एक्टिविटीज, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, दीज आर डिवाइडेड एज फॉलोज. की एक सिंपल सी बात हम करें तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि माइंस हो गई अपनी, ठीक है, क्रूड ऑयल निकालना हो गया, तो ये सब हमारे किसमें आते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है. ठीक है, फिशरीज हो गई, इसके अलावा हमारे एनिमल हस्बेंड्री, सारे के सारे हमारे किस्में आते हैं प्राइमरी सेक्टर में. इज इट क्लियर? नाउ प्राइमरी सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकंड इज जेनेटिव. दो कैटेगरी हमारे पास, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री की. ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मींस दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल एनवायरमेंट. क्या कहा जा रहा है कि हम जितना भी नेचर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कुछ भी नेचर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, बेसिकली जिसे हम रॉ मटेरियल का भी नाम देते हैं, वो होगा हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. इज इट क्लियर एवरीवन? ध्यान से समझना है हम इस चीज को. कि फिर से पढ़ते हैं, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ ज्योग्राफिकल नेचुरल एनवायरमेंट. नेचुरल एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं हमारे. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इन मैनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. कि जो एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, इसमें जो भी चेंजेस किए जाएंगे, इसमें जो भी इसमें यूटिलिटी इंक्रीज की जाएगी, वो सब की जाएगी हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में. इज इट क्लियर? जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं. इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इंक्लूड्स फार्मिंग, माइनिंग,
ठीक है, हंटिंग फिशिंग ऑपरेशंस की, ये जो बेसिक है ये हमारे किसमें आ जाते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। सीड्स एंड नर्सरी कंपनीज आर टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज, कि पेड़ पौधों को जो रिप्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन किया जा रहा है ताकि हम उनको यूज़ कर सकें, तो ये होगा हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट। इन एडिशन एक्टिविटीज ऑफ कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरीज कम अंडर द जेनेटिक इंडस्ट्री। ध्यान से समझना, फिशिंग जो है दोनों में डिफरेंस क्या है, कि लाइक अगर हम एक अलग से फिशिंग का काम कर रहे हैं, हमने खुद ने ऑर्गेनाइज किया है, तो वो होगा हमारे जेनेटिक इंडस्ट्री में। लेकिन जैसे कि ओशन वगैरह से हम फिशिंग का काम कर रहे हैं, तो वो हमारे किस में आ जाएगा, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में आ जाएगा। इज इट क्लियर? सेकंड आती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विथ यूजिंग मटीरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट, कि जो प्राइमरी स्टेज में निकला है उन मटीरियल को यूज करके हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाने का काम करेंगे। दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटीरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन, कि इन गुड्स को जो कि फर्स्ट स्टेज में एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, हम उन्हें प्रोसेस करेंगे ताकि फाइनल कंजप्शन के लिए तैयार हो सके। फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और बाय इंडस्ट्रियल यूनिट, या तो कस्टमर के लिए फाइनल कंजप्शन हो जाएगा, या जो यूनिट बनेगी उसे फर्दर प्रोसेस में काम में लिया जा सकता है एज अ रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्री। लाइक एग्जाम्पल देना, माइनिंग ऑफ आयरन ऑर इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, बट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ आयरन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। नाउ कि बेसिकली हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी सेक्टर से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, थोड़ा सा उसका डिटेल्स आएगी तो चार्ट बनाना पड़ेगा हमें उसका। चार्ट में है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री बनानी है, इसके दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, दो इंडस्ट्री हमारी, एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ प्रोड्यूस्ड गुड्स को क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा रॉ मटेरियल को और फिनिश गुड तैयार किया जाएगा। और बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम लोग जानते हैं जहाँ रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, ये जिनका भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। These industries are engaged in producing goods through processing of raw material. कि ये जो industry है ये हमारे goods की processing से जुड़ी हुई है raw material की, thus creating forms utility. They bring out diverse finished products. क्योंकि process करते हैं तो हम इसके through अलग अलग products तैयार कर सकते हैं। The conversion of raw material or partly finished material in their manufacturing ऑपरेशन की हम बात करेंगे, आपके
जो मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है उसमें यूज में लिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसे भी फर्दर फोर कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। इज इट क्लियर कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है इनकी भी चार कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री, ध्यान से समझना, कोई ज़्यादा अलग नहीं। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं, ध्यान से समझना, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एक सिंगल रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं उसे हम कौन सी इंडस्ट्री कहेंगे? एनालिटिकल इंडस्ट्री कहेंगे। इज इट क्लियर? लाइक क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में सबसे पहले इसको सबसे अच्छे तरीके से प्योरीफाई करके हम वाइट फ्यूल निकालते हैं, जिसे हम एविएशन इंडस्ट्री, जिसे हम प्लेन वगैरह में काम में लेते हैं। सेकेंड होता है हमारा पेट्रोल, देन होता है डीजल, देन कैरोसिन, देन जो मड बच जाता है एंड में उससे वैसलीन और जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो देखा जाए तो जो रॉ मटेरियल था वो एक था, लेकिन उससे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने तैयार कर दिए, तो इस इंडस्ट्री को हमने नाम दिया एनालिटिकल इंडस्ट्री। इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आता है हमारा, सेकेंड इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल का मतलब है एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलाकर एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। ध्यान से समझना कि ऐसे रॉ मटेरियल जिसे इंडिविजुअली हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे दो या दो से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलाकर जब हम एक फिनिश गुड्स तैयार करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जस्ट फॉर एग्जांपल सोप, कि हम जो साबुन वगैरह जो बनते हैं वो हमारे यहाँ से सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाएगा लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी एक ही बनेगा। जैसे कि शुगर कैन की हम बात करें कि शुगर कैन को हम इंडस्ट्री में लेकर आए, हम उससे शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन एक ही प्रोडक्ट का होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हम बात करें जैगरी की, जिसे हम गुड़ कह देते हैं, वो हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप तैयार होता है। ध्यान से समझना इस चीज को कि हम जैगरी के लिए इंडस्ट्री नहीं लगाते, हम इंडस्ट्री लगाते हैं शुगर के लिए, इसीलिए वो हमारे किस में आ जाएगी? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ जाएगी, कि गुड्स को प्रोसेस करते जाएंगे और एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग मीन्स कि जहां बहुत सारे फिनिश गुड्स को मिलाकर एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा उसको हम कहेंगे असेंबलिंग इंडस्ट्री। लाइक हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह को हम इसका एग्जांपल कह सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हम कार वगैरह कहते हैं, जैसे कि कार के टायर वगैरह अलग भी बिक सकते हैं, विंडशीट अलग से बिकती है, पार्ट्स अलग से बेचे जाते हैं, बिल्कुल बिकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फिनिश गुड्स में भी हैं, लेकिन उन फिनिश गुड्स प्रोडक्ट्स को जब हम कंपोनेंट को एक जगह मिलाएंगे तो ये होगी हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे कि हमारे मोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल को भी असेंबल किया जाता है, हमारे फ़ोन की स्क्रीन वगैरह टूट जाती है तो हम उसे कहीं से और से भी लगवा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नया फ़ोन ही खरीदना होगा। ध्यान से समझना, तो असेंबलिंग और सिंथेटिकल में क्या डिफरेंस है? सिंथेटिकल में जो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में किया जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल्स को मिलाकर एक नया फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। सो जैसे कास्टिक सोडा वगैरह ये हमारे डेली यूज़ में नहीं आते, ना हम डेली खरीदने का काम करते, ठीक है, हाँ वैसे वो स्पेशल वर्क में भी नहीं आते। असेंबलिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें स्पेशल अलग तरीके से खरीदा भी जा सकता है और यूज़ में भी लिया जा सकता है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में, देन वी हैव कम्प्लीटेड सेकेंडरी इंडस्ट्री। इज इट क्लियर कि आज की क्लास में जो पढ़ा है ये हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री की भी डिटेल्स मिल चुकी है। स्टिल कोई डाउट रहता है आपको इन टॉपिक से रिलेटेड
तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. इज इट क्लियर एवरीवन? थैंक यू.